The next speaker is Srimati Kahkashan Perween. सबसे पहले माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि बहुत दिनों से जो इस ब्रादरी के लोग हैं उनकी मांग आज आपने पूरी की इस बिल को लाकर और मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। महाशय भारत एक प्रमुख समुद्र तटीय राष्ट्र है और यहाँ का 95 हिस्सा समुद्री यातायात से जुड़ा हुआ है। ये विधेयक जो है बहुत पुराना विधेयक, कानूनी ढांचा पुराना था, इसको बदलने की ज़रूरत थी और इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। आज इस विधेयक को जो लाकर पेश किया गया है, इससे जो बिरादरी की मांग थी, जो तटीय राज्यों के स्थित जो कानूनी समुद्री कानूनी बिरादरी की एक लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी, इसको आज आपने पूरा किया है। ये बिल जो है वो समुद्री दावों की अदालती कार्रवाई, जहाज़ों की जब्ती एवं अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़ा मौजूदा कानून को सुदृढ़ करेगा। इससे जो है माननीय इससे जो है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और ये व्यापार, समुद्री व्यापार करने वालों को राहत इससे मिलेगी। इसका जो इस बिल का महत्वपूर्ण ये तीन बातें ये हैं कि अदालतों का प्रभाव क्षेत्र का बढ़ना, मेरिटाइम क्लेम्स के निपटारा अधिकार मिलेगा और तीसरा है कि समुद्री विवाद से संबंधित जहाज़ों को पकड़ने का अधिकार भी मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूं और इस बिल का मैं समर्थन करती हूं। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज